Let's see. मेरा GoPro Hero 10 भाई, मेरी तरफ से दो गिफ्ट। 12,183 रुपीस मैं इसका कस्टम पे कर रहा हूँ। तो ये है भाई ओनली वन इन इंडिया। सो हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गियर शिफ्टर्स इंडिया। तो मैं अभी जा रहा हूँ, तो मेरा आ गया है पार्सल, वो भी सीधे आया है जर्मनी से। तो जो लोकल पोस्ट ऑफिस की जो गाड़ी है वहाँ खड़ी है रोड पे। तो मैं अभी जा रहा हूँ मेरा पार्सल लेने के लिए। तो लोकल पोस्ट ऑफिस की जो गाड़ी है वो वहाँ रोड पे आके रुकी हुई है। तो मैं थोड़ा जल्दी में था, बाहर से आया, थोड़ा कैश निकाल के भी देना है उनको। तो अभी चलते आपको दिखाते हैं। तो एक पार्सल ही ओंकर का भी आ गया GoPro यहाँ पे। फोन नंबर डालने। ओके ओके, थैंक यू। गाड़ी जो है इधर रोड पे खड़ी है, मैं दिखाता हूँ, सामने ही है वो रेड कलर की, आपको लेफ्ट साइड में दिख रही होगी। तो ये रही अपना पार्सल भाई, आज आ गया सीधे जर्मनी से। निकाल के रखा है क्या आपने? अच्छा, निकाल दिया। एक बार कस्टम का रिसीट उसमें दिखा देते हैं। 12,183 रुपीज़ मैं इसका कस्टम पे कर रहा हूँ। ये हो गया 12। अभी निकाला। सही बात है। तो ये देखिए भाई, पार्सल अपना मिल गया है। ये बॉक्स क्या हो सकता है देखते हैं। और अंकल का धन्यवाद, अंकल ने मेरा वीडियो बनाया। अभी यहाँ से चलते हैं घर पे, शायद मैं ओंकर के यहाँ जाने वाला हूँ, वहाँ पे इसको करेंगे अनबॉक्सिंग। अभी चलते हैं। सो जैसे मैंने बताया था, मैं ओंकर के घर के नीचे आ गया हूँ। ये रही उसकी कार, और ये बंजी कॉर्ड लगा के ये बॉक्स को मैं ऐसे लेके आया हूँ अपने एपिडिया पे। तो अभी चलते हैं ऊपर और फिर इसको करेंगे अनबॉक्सिंग। और बता देता हूँ इसको मंगाया कहाँ से है, सिर्फ आपको मैं साइड बताता हूँ। ये मोटो इन FC मोटो और मोटो इन मतलब भाई बहनी एक जैसे ही है, जर्मनी। GoPro GoPro बोल रहा है। इसका हीरो 10 भी मैंने ऑर्डर किया था, वो मेरे एड्रेस पे मैंने मंगाया था, वो इसके अंदर है। हाँ, कितने पैसे गए? पैसे बहुत गए ना, बहुत पैसे गए, बहुत खर्चा हो गया। पैसे है नहीं पर मैं खर्च कर देता फिर भी। अभी इसको निकालते हैं, उसके अंदर जरा GoPro को दिखाएंगे। तो अभी निकालते हैं भाई, मैं ओंकर के लिए गिफ्ट लाया हूँ। GoPro हीरो 10 भाई, मेरी तरफ से दो गिफ्ट। एंजॉय एंजॉय, मेरे पास नहीं है लेकिन मैं तेरे को 10 दिया। तो गाइस ये रहा देखिए अपना पार्सल। तो अभी इसको कर रहे यार अनबॉक्सिंग। इसमें क्या है अभी आपको जब ओपन करेंगे अनबॉक्सिंग करेंगे तब पता चलेगा। तो चलिए अभी इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। और मतलब कब से आप लोग वेट कर रहे हो और मैं भी वेट कर रहा हूँ कि कब इसको मैं ओपन करूँगा और देखूंगा। तो चलिए ओपन करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं इसको। विदेशी डाक मुंबई। मैं खुद कब से इंतजार कर रहा था, कब से ये क्या बॉक्स उल्टा खोल रहे थे। चल ठीक है, इसको अभी ये इधर हटाते हैं और ये बॉक्स को खोलते हैं। तो चलिए अभी इसको करते हैं ओपन, लेट्स सी। ओ क्या आपको देखा, ये क्या है? ये है KYT का हेलमेट, ये देखिए। तो इंडिया में यहाँ पे अभी कोई भी KYT का जो मॉडल है अवेलेबल नहीं है। और ये वाला मैंने ऑर्डर किया मोटो इन से, जो मैंने इससे पहले भी बताया था आपको। तो चलिए अभी इसको ओपन करते हैं। ओ थर्मोकॉल का निकालते हैं, ये रही इसकी पैकिंग पूरी साइड में। ये मैनुअल, यूजर मैनुअल है इसका KYT का। ये है इसका पिन लॉक वाइजर का। ओहो,
क्या बात है। तो क्या लिखा है ऊपर? वर्ल्ड क्लास हेलमेट। ये देखिए, वर्ल्ड क्लास हेलमेट, KYTHelmets.com। मस्त अंदर से पैकिंग लग रही है पूरी, और ऐसा कोजी कोजी लग रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है इसका कवर पूरा। तो मतलब आप लोग बोलोगे AGV होने के बाद ही मैंने ये हेलमेट मंगाया, मतलब मुझे ऐसा मन कर रहा था कि ना अभी बहुत टाइम हो गया, थोड़ा कुछ चेंज करते हैं, ये सोच के मैंने ये हेलमेट ऑर्डर किया KYT का। और इंडिया में कोई भी अवेलेबल नहीं है KYT का, और ये जो मॉडल है ये KYT NX रेस एस्पर 2020 मॉडल है ये, और ये मुझे लगता है शायद इंडिया में आया भी नहीं था। जो TT कोर्स वाले आए थे 7,000 से 8,500 तक, उसके बाद NFR जो कि 12,000 से 13,500 तक, और उसके बाद ये मुझे पड़ा है कुछ, आपको बताता हूँ, शिपिंग के साथ उनके वेयरहाउस से जर्मनी से वहां से वहां तक पड़ा कुछ 23,400। उसके बाद मैंने कस्टम यहाँ पे इंडिया में आने के बाद पे किया, वो टोटल था 12,183, मतलब ये अराउंड मुझे 36,500 में पड़ा टोटल प्राइस का ये हेलमेट का। तो चलिए अभी इसको ओपन करते हैं। बढ़िया बांध के रखा था अच्छे से। ओह वाह, ये है भाई। ऐसे ऊपर अच्छा वाइजर में अटकाया हुआ है इसको। फोटोज में जो दिख रहा था उससे भी कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल है, बिलीव इन योरसेल्फ। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, ये 41 का नंबर है और ये ड्यूल कलर में है, जैसे कि नियॉन पिंक एंड नियॉन येलो। तो यहाँ पे आपको पीछे देखिए, यहाँ पे मस्त बढ़िया सा स्पॉइलर मिलता है और काफी लाइट वेट है। इसके ऊपर लिखा है, मैं आपको बताता हूँ, ये स्मॉल साइज लिया मैंने XS, और इस पे साइज जो है, ये वेट की बात कर रहा हूँ, 1350+50 यहाँ पे स्टिकर आप देख सकते हो, तो वो शायद मुझे लगता है निकल ही जाएगा, ऐसा स्टिक नहीं अच्छे से। तो MM लिखा है, एंड ये जो हेलमेट है MotoGP में यूज होते हैं ये ब्रांड्स, काफी बढ़िया है। ये देखिए ऊपर आपको 41 देखने के लिए मिलेगा, 41 टीम। यहाँ पे सुपर लॉ लिखा है, मुझे लगता है ये सुपर लव होगा। और यहाँ पे साइकिल भी उन्होंने दिखाया, मतलब वो एस्पर गैरो जो है ना, उन्होंने अपने बच्चों के नाम से मतलब कुछ करना चाहा, इसलिए मुझे लगता है उन्होंने साइकिल वहां पे बाइक की जगह साइकिल दिखाया हेलमेट पे। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, वाई सो सीरियस, ये भी मुझे काफी अच्छा लगा। और सुपर लव और 41 लिखा हुआ है, और यहाँ पे KYT आ जाता है बड़े में। ये फ्रंट में आपको देखिए, यहाँ पे आपको फ्रंट में हेलमेट मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है वेंटिलेशन के लिए, और यहाँ पे रियर में एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, और ये ऊपर भी एयरबैग्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों साइड में, काफी बढ़िया है। और 1350+50 ग्राम, मतलब 1400, वो मुझे उतना फील ही नहीं हो रहा है मेरे, बिल्कुल मतलब AGV जैसे लाइटवेट लग रहा है। और ये इसमें कार्बन तो नहीं है पूरा हेलमेट, लेकिन इसमें कार्बन मिक्स है, तो मतलब उसकी वजह से काफी मजबूत है। तो ये हेलमेट देखिए कितना जबरदस्त लुक है, मतलब आपको दो कलर्स में आता है, इसने मुझे अच्छा लगा, आधा नियॉन पिंक हो गया और आधा जो है वो नियॉन येलो हो गया। ये देखिए काफी अच्छा लुक है, और यहाँ पे हार्ट्स भी बने हुए हैं उसके ऊपर, आप देख सकते हो। और पीछे से लुक देखिए इसका, ये साइड हो गया, ये फ्रंट हो गया, तो काफी बढ़िया है। और ये MM का क्या मीनिंग है मुझे इस बारे में पता नहीं है, साइकिल भी बनाया हुआ है, वाई सो सीरियस, एंड इसके यहाँ पे एक पीपा लिखा हुआ है। अब हो सकता है ये कोई यूरोपियन वर्ड होगा, इस बारे में अभी मुझे कुछ पता नहीं है, मैं बाद में एक बार सर्च कर लूंगा। तो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना कि मैंने कितने में लिया, आपको मैंने प्राइस बता दिया है, चाहे तो आप बोलोगे। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक के साथ अपलोड कर दूंगा, वहां पे मैं अपडेट कर दूंगा, तो आप देख लेना मैंने कहां से ऑर्डर किया, कितने में किया है। अरे बता दूं, इसमें ISI मार्क नहीं है, क्योंकि इंडिया में इसी वजह से AGV के KYT या जो भी हेलमेट्स आ रहे हैं, इम्पोर्ट हो रहे हैं बाहर से, तो उस पर ISI मार्क नहीं आता है। और यहाँ पे ये इमरजेंसी पैड्स ओपनिंग करने के लिए दिया हुआ है दोनों साइड में, इसको बस पुल करना है। इसको मैंने कभी देखा नहीं इसको कैसे यूज करना है, बट मुझे इस बारे में नॉलेज है,
और आपको इसमें डबल डी रिटेंशन रिंग मिल जाता है जो कि मतलब नॉर्मल वाले से काफी ज्यादा सेफ्टी रहता है। टाइम लगता है पहनने के लिए लेकिन आदत हो जाएगी। और इसमें मैंने आपको बताता हूं, मैंने स्पॉइलर ऑर्डर किया है, वो मैंने ईबे से किया है, जो कि इसके साथ अलग से स्पॉइलर और लग जाएगा तो काफी ज्यादा खतरनाक और एकदम बढ़िया लुक देने वाला है, अमेजिंग वाला। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट वाला मैंने वाइजर ऑर्डर किया जो कि यहाँ पे अलग से यहाँ तक इतना लग जाएगा। हुआ पॉसिबल उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो लाइट लगा दूंगा आपको, जब राइड बाइड पे निकलेंगे आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। तो सबसे जरूरी बात बतानी थी कि ये जो हेलमेट है ना, तो ये है भाई ओनली वन इन इंडिया, क्योंकि अभी तक मैंने कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी यूट्यूब पे भी किसी ने ये लिया होगा, या कई वीडियो सारी बाहर की थी, तो एक मैं पहला रहूंगा जिसके पास ये वाला मॉडल जो है इंडिया में मेरे पास है। तो अभी इसको पहन के देखते हैं कैसा लुक आता है। तो ये इसको हम बाद में निकालते हैं, पहले एक बार मैं पहनता हूँ और फिटिंग वगैरह कैसा है। काफी बढ़िया एकदम फिट हो गया, ये अच्छे से फिट हो गया। और कसम से बोलता हूँ, ये देखिए यहाँ पे पूरा मेरा ना चीक से पूरा ऐसे फेस दब रहा है, क्योंकि तो स्मॉल साइज है लेकिन एकदम बढ़िया लग रहा है। आप एक बार लुक देखिए कैसे लगता है इसका। तो इस साइड में एक ये हो गया और यहाँ से और ऐसा एक लुक। तो कमेंट्स करके जरूर बताना, अभी थोड़ा व्लॉग्स बनाऊंगा तो थोड़ा मेरा फेस दब गया है ज़्यादा, थोड़ा छोटा साइज लिया मैंने क्योंकि बड़ा साइज अवेलेबल नहीं था, तो मैंने फिर ये वाला ऑर्डर कर दिया था। तो अभी मैंने पहन के देखा हेलमेट, काफ़ी लाइट वेट लग रहा है सच में, मतलब एजीबी जैसे लग रहा है मुझे एकदम लाइट वेट। और फिटिंग काफ़ी अच्छी है, थोड़ा टाइट हो रहा था मुझे, बट आदत हो जाएगी क्योंकि बोलते हैं कि हेलमेट न्यू लेंगे तो थोड़ा टाइट लेना चाहिए, वो यूज़ करते करते थोड़ा सा लूज हो जाता है, ज़्यादा मतलब ढीला नहीं लेना चाहिए, फिर कोई मतलब नहीं है ना, वो थोड़ा शेक होता है फिर अगर थोड़ा हाई स्पीड में रहेंगे बाइक्स पे। तो मुझे आप प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको ये हेलमेट कैसा लगा। और इसकी जो कुशन है ये देखिए आप, काफ़ी सॉफ्ट है, मतलब बहुत हद तक सॉफ्ट है, बहुत बढ़िया है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बोलेंगे ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया यार मैंने गलती कर दी पछता गया ये वो, कुछ भी नहीं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप एक बार वापस लुक देखिए इसका, यहाँ पर ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ब्लैक के साथ तो कोई भी कलर ज़्यादातर चल ही जाता है। और ये रहा इसका फ्रंट लुक, स्पॉइलर लगने के बाद इसका लुक और काफ़ी मतलब एक नंबर हो जाएगा, बहुत सही है। और मतलब फोटोज़ में जो दिखता था उससे भी ज़्यादा काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे ये जूकी भी लिखा हुआ है, अब इसका भी मीनिंग क्या है मुझे ढूंढना पड़ेगा इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, तो हो सकता है कुछ यूरोपियन वर्ड्स हो क्योंकि वहीं से आया है ये। तो व्लॉग को एंड करते हैं, मैंने बोला चलो थोड़ा गॉगल्स पहन देना, वो वहाँ की लाइट थोड़ी आंखों में ज़्यादा लग रही थी तो फिर मैंने गॉगल्स पहन लिया। तो मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ मैं दोबारा कह रहा हूँ कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये हेलमेट कैसा लगा। तो मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए राइड सेफ राइड हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल।